जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने आज ये धरना इसलिए दिया है कि हरियाणा सरकार 2014 से किसानों को ट्यूबवेलों के जो बिजली के कनेक्शन देने थे वो ठीक से नहीं दे रही। 2500 कनेक्शन झज्जर ज़िले में पेंडिंग है और जो 450 कनेक्शन पिछले 2-3 महीने में इन्होंने रिलीज भी किए हैं उनमें भारी अनियमितताएँ हैं। ये सारे किसान अपनी अपनी समस्याएँ लेके आए हुए हैं और हमारी सरकार से मांग ये है कि आज किसान को बिजली के कनेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि डीजल बहुत महंगा हो गया है, इसलिए तुरंत प्रभाव से सभी किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएं और जो ये ठेकेदारों के मार्फत जो कनेक्शन दिए गए हैं उनमें भारी अनियमितताएं हैं, ठीक से वो फिटिंग नहीं की है ट्रांसफार्मर वगैरह की, कहीं ट्रांसफार्मर की फिटिंग है तो बिजली का मीटर नहीं लगाया है, कहीं मीटर भी लग गया ट्रांसफार्मर भी लग गया लेकिन केबल से कनेक्शन नहीं दिया, और जो ये मोटरों की खरीद विभाग ने जो सप्लाई की है उन मोटरों में तो भारी लूट किसानों की हुई है। वो जो 6 स्टेज और 4 स्टेज की जो मोटर चाहिए थी, क्योंकि इन कनेक्शनों में शर्त ये है कि कोई भी किसान खुला पानी नहीं देगा, वो ड्रिप इरीगेशन से देगा या फुहारा सेट से देगा, लेकिन 3 स्टेज की मोटर दे दी 4 स्टेज की मोटर दे दी, उन मोटरों से कहीं भी फुहारा नहीं बन रहा है। किसानों में भारी रोष है और इस रोष के खिलाफ आज तो हम एससी साहब को अवगत कराएंगे, नहीं तो 9 अगस्त को हम पूरे देश का किसान डीसी कार्यालय पे एक तरह से सत्याग्रह करेगा और ये मांग करेगा कि ये जो जिस भी ठेकेदार को ये बिजली की फिटिंग का काम दिया है और जिस भी कंपनी से ये मोटरें खरीदने का काम दिया उसकी इंक्वायरी हो स्वतंत्र तौर पर किसी सीटिंग जज से, और जो भी इसमें दोषी हो उनको सज़ा मिले।